फूके। आप जरा देखिए तो सही, ये मनकबतों का अंदाज वही है जो आले मोहम्मद को पसंद है, ये मिधते आले मोहम्मद का वही तरीका है जो आले मोहम्मद को पसंद है। किस इमाम ने कहा कि नाचते हुए मनकबत गाओ, किस इमाम ने कहा कि झूमते हुए शराबियों की तरह मनकबत गाओ, किस इमाम ने कहा कि सांस पर मनकबत गाओ, सोस पर मनकबत गाओ, किसने कहा म्यूजिक की ताल पर तुम मनकबत गाना शुरू कर दो। ये मनकबत पढ़ी नहीं जा रही है, गाई जा रही है। गाने वाला सोच रहा है कि मैं लाइक कमा रहा हूं, ये जहन्नुम की आग कमा रहा है। और वो लोग जो इसे लाइक कर रहे हैं वो भी इस जहन्नुम का ईंधन बन रहे हैं। वो लोग के जो इसे प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग के जो इसे सुन रहे हैं, वो लोग के जो ऐसे लोगों के जो मीरासी हैं, जिनके जात ही जमीर को बेचने वाली है, जिनकी औकात ही ये है कि वो सांस पे चल सकते हैं, ऐसे लोगों का साथ देने का मतलब ये है कि वो कौम भी खसारे और घाटे में जा रही है। इसलिए कि जब इन्हें कुछ ना मिलेगा तो ये आवाज की सांस पर खाके शफा को भी नीलाम करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे ताजिरों से, ऐसे लोगों से जो खाके शफा को नीलाम कर रहे हैं, जिक्र आले मोहम्मद को बदनाम कर रहे हैं, जिक्र आले मोहम्मद को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना रोज़े महशर हुसैन को जवाब देना पड़ेगा। खबरदार, ऐसे लोगों को सुनना बंद करो ताकि उनकी शोहरत की दुकानें बंद हो जाए, उनके दौलत के पूजने का सिलसिला खत्म हो जाए और उन्हें गुर्बत में जब जिंदगी बसर करनी पड़ेगी तब अजमत हुसैन याद आए। जब वो अपनी औकात भूल कर हकीकी मानों में अजादार बन के आएंगे, जब हुर की तरह दरवाजे तौबा पर आएंगे, तब उन्हें शिया कहना, तब उन्हें मद्दाह कहना, तब उन्हें शायर कहना, तब उन्हें नोहे खां कहना। अभी ये नोहे खां नहीं है, ये नोहों को बदनाम करने वाले हैं, ये साजिशें करने वाले हैं। इसलिए मुहर्रम आ रहा है, ऐसा ना हो कि आप वॉल्यूम के चक्कर में पड़ जाओ, फलां नोहे खां का वॉल्यूम नहीं आया, फहां का वॉल्यूम नहीं आया। बस ये देखना कि नोहा म्यूजिक के ढाल पे तो नहीं है। अगर म्यूजिक के साथ नोहा है तो आपने नहीं खरीदना है, आपने उस नोहे को नहीं दोहराना है, आपने समाज में उस नोहे को नहीं पढ़ना है। जब तक कौम बायकॉट नहीं करेगी अपने आप को घमंडी समझने लगेगी।